नमस्कार दोस्तों निफ्टी वा चैनल पे आप सबका स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था कि अगर सत्रह चार सौ तीस मतलब जहाँ पे फिफ्टी डैम है अगर वो टूटे तो उसके नीचे भी थोड़ा सा गिरने देना सत्रह तीन सौ अस्सी के नीचे आपने पुट बाय करनी है और ऊपर मैंने कहा था सत्रह पाँच सौ तीस के ऊपर आपने कॉल बाय करनी है अब ये देखिए ये सुबह सुबह क्या हुआ आखिर आज वोल्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा थी हम ये नहीं कह सकते कि चलो जी आपको ये प्रॉफिट मिल गया ना क्योंकि कभी, कभी 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 तो वो लेवल के ऊपर आ जाती थी चीज़ कभी वो लेवल के नीचे चली जाती थी मैं समझ सकता हूँ आपको लॉस भी होगा इसमें जैसे सत्रह पाँच सौ तीस के ऊपर सुबह सुबह ये निफ्टी निकल गई और आप लोगों ने ले ली होगी निफ्टी मैं ये मान के चलता हूँ तो सत्रह चार सौ साठ का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा तो आपको सत्तर पॉइंट का वहाँ पे लॉस हुआ होगा उसके बाद मैंने जैसे कहा था कि सत्रह तीन सौ अस्सी के नीचे सेल कर देना और आपको सत्रह तीन सौ दस मिलेगा और सत्तर पॉइंट का यहाँ से वापस आपको प्रॉफिट हो गया उसके बाद मैंने कहा था कि सत्रह दो सौ नब्बे के नीचे बेचना और वहाँ पे फिर आपने पुट लेनी है सत्रह तीन सौ की यहाँ पे जरूर आपने सत्रह तीन सौ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा बीस पॉइंट का चलो मैं मान के चलता हूँ उसके बाद सत्रह दो सौ नब्बे से हमें फिर से सत्रह एक सौ पचहत्तर का टारगेट मिला तो इस तरह से हमें कुल मिला के सारा ले दे के सौ पॉइंट का प्रॉफिट तो जरूर निफ्टी में हुआ मतलब इतनी वॉलिटाइल मार्केट में भी अगर प्रॉफिट कहीं पॉसिबल है तो सिर्फ हमारे चैनल पर ही पॉसिबल है वरना आप पैसे ही गवा बैठो यही कारण है कि हम आपके पैसों को संभाल कर रखते हैं अगर लॉस नहीं तो कम से कम आपको जीरो पे रखते हैं उसको आपको लॉस में आने नहीं देते और थोड़ा सा अगर आप अलर्टनेस से ज़्यादा रहेंगे तो इतनी हाई वोल्टिलिटी में भी आपको कमाने का मौका मिलता है ये सब हमारे चैनल पर ही पॉसिबल है वैसे तो बहुत मुश्किल है तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हम मार्केट डालें हम वीडियो डालें तब ऐसे ही साथ के साथ आपको हमारी वीडियो मिल जाए ताकि आपको स्टडी करने का टाइम मिले और वीडियो को एक नहीं दो या तीन बार भी आप देखेंगे तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगी हम पूरी मार्केट की अगले दिन की कि कैसे चलनी है उसके साथ साथ अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी भी इसी तरह वोटाइल वो थी सुबह तो ये अठत्तीस छः सौ के ऊपर निकल गई और फिर जैसा कि मैंने कहा था कि इसके ऊपर अठत्तीस नौ सौ के ऊपर ही आपने बाय करनी है तो खैर यहाँ पर तो आपने कुछ बाय नहीं किया होगा उसके बाद मैंने कहा था कि जैसे अठत्तीस चार सौ टूटे तो अठत्तीस दो सौ के पास प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि वहाँ पर था ट्वेंटी डेमा तो वहाँ पर हमें ज़रूर दो सौ पॉइंट का प्रॉफिट हुआ उसके बाद यहाँ पर फिर से थोड़े बहुत स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे तो ले देकर इसमें भी हमें सौ पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कुल मिलाकर दो सौ सवा दो सौ पॉइंट का प्रॉफिट जरूर हुआ तो आइए अब हम आते हैं निफ्टी पर तो इस तरह से कल हमने तीन स्टॉक दिए थे आपको पहला स्टॉक था ल्यूपिन ल्यूपिन को कहा था कि हमने सेल करना है तीनों ही स्टॉक सेल के दिए थे आठ सौ पे हमने सेल किया और हमें आठ मिला पचास पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ हुआ आई सी आई ली ये भी पाँच पे हमने सेल किया और हमें नीचे पाँच मिला 24 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट हुआ और एम में भी हमें चौदह तो नहीं मिला मतलब कि अगर किसी ने 1415 पर भी सेल किया तो उसे तेरह मतलब 15 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ जरूर हुआ तो इस तरह से अगर हम देखें तो इतनी हाई वोल्टेलिटी में भी हमने स्टॉक्स में भी अच्छा प्रॉफिट ले लिया क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मार्केट गिरेगी ऊपर जाने की बजाय जो कैलकुलेशन कैलकुलेशन किस बेस पे होती है देखिए अब अगर हम देखें यूएस डॉलर नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फोर तो ये आप सीख लीजिए कि जब तक ये 92 और 91 के नीचे नहीं आता तब तक ये इंडिया के लिए कम से कम नुकसानदायक है जब तक ये नाइन्टी फाइव के ऊपर है तो हमारा रुपया कमज़ोर होगा और अगर बॉन्ड जील देखें तो वन पॉइंट नाइन टू ये काफ़ी हाई है इसका कारण क्या है क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल है नाइन्टी टू पॉइंट एट 92.8 की वजह से महंगाई हो रही है क्योंकि क्रूर काफ़ी कॉस्टली है जब तक क्रूर 70 के नीचे नहीं आता या 75 के नीचे नहीं आता तब तक हमारे इंडिया के लिए नुकसानदेह है तो बॉन्ड जील्ड जब तक 1.4 के नीचे नहीं आती तब तक हम कहेंगे कि महंगाई कम नहीं हुई है तो ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं स्टॉक मार्केट में इंडिया विक्स ट्वेंटी ये भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें भी आप देखेंगे कि जब तक ये 18 के नीचे नहीं जाती तब तक ये बुल्स के फेवर में नहीं है तो अब बात आती है कि पूरे आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहें इसका एक ही कारण है कारण है क्रूड क्रूड इतना महंगा हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आज सुबह सुबह ही एकदम से अचानक उसने कहा वाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी की कि हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ कहती हैं कि रशिया तकरीबन एक या दो हफ्ते के अंदर यूक्रेन पर अटैक कर देगा इस वजह से क्रूड और महंगा हुआ और उसका असर सीधा सीधा इंडिया पर ही पड़ेगा क्योंकि क्रूड जितना महंगा होगा इंडिया को उतना ही नुकसान होगा क्योंकि हम आ, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं और हमारी जो इकॉनमी है सारी हिल रही है इस वजह से क्रूड की वजह से तो ये क्रूड आखिर कब तक गिरेगा आ, कब तक बढ़ता रहेगा और मार्केट कब तक गिरते रहेगी अब सवाल ये उठता है देखिए जब तक ये यूक्रेन रशिया की टेंशन रिलीज नहीं होती तब तक ये क्रूड कॉस्टली होता चला जाएगा और ऐसे लगता है कि ये हंड्रेड पे पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी और इसका रेजिस्टेंस भी हंड्रेड के आसपास ही है मैं आपको बता दूं चार्ट पे जो इसका हमने देखा है तो ये हंड्रेड के आसपास कहीं इसका रेजिस्टेंस निकलता है तो हंड्रेड तक तो जाता हुआ दिखाई दे अगर हाँ कोई बीच में पड़ जाए जैसे फ्रांस का राष्ट्र के राष्ट्रपति अब रशिया जाएंगे शायद उनकी उनके साथ बातचीत होगी अगर ये मामला सुलझ गया फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में पड़ने पर तो हो सकता है कि मामला ये सुलझ जाए अगर सुलझ गया तो क्रूर बड़ी तेज़ी से गिरेगा और इतनी तेज़ी से गिरेगा ये बड़ी जल्दी सेवेंटी फाइव भी आ जाएगा और हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी भी झूम उठेगी ऊपर की ओर अभी सारे वर्ल्ड की जो मार्केट है इन इस रीजन की वजह से एक ब्रेंड क्रूड की वजह से हिली पड़ी है सारी की सारी मार्केट्स डाउन है यही क्योंकि महंगाई पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है ब्रेंड क्रूड की वजह से तो ये इस टाइम टेंशन क्रिएट हो चुकी है क्रूड की और क्रूड पे आप नज़र बनाए रखें जिसने भी ट्रेडिंग करनी है जब भी क्रूड महंगा होगा तो मार्केट गिरेगी क्रूड सस्ता होगा तो मार्केट उठेगी अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर और तीन स्टॉक्स पर तो कल के लिए फिर से एम सी एक्स को ही आप सेल कीजिए इसमें अब कल आपने ये करना है कि वन फोर वन फाइव के नीचे नीचे ही आपने सेल करना है वहाँ तक कोई उछाल है तो सेल करना है अगर उसके ऊपर निकल जाए फिर सेल ना करना और स्टॉप लॉस वन फोर थ्री टू का रहेगा टारगेट फिर से वा... क्योंकि वोल्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा आपने देखा हुआ ये देखिए पहले ये लेवल तोड़ा नीचे तक गया या ये नहीं मिला उसके बाद फिर वापस ये शेडो बन गई तो वोल्टेटी काफ़ी हाई है थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा तो वन थ्री नाइन सिक्स और वन थ्री सेवन एट वन थ्री फाइव सेवन वन थ्री वन सेवन तक के आपको इसमें टारगेट मिल सकते हैं दूसरा जो स्टॉक है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ये एफ एस एल भी इसे कहा जाता है तो एफ एस एल को एक सौ सैंतालीस तक कोई भी जंप आए तो आपने सेल करना है स्टॉप लॉस 149 का क्यों इसे हमने क्यों सेल करना है देखिए ये देखिए ईगल आई से देखिए ये बड़े यहाँ से देखेंगे तो ये लगातार गिरता ही चला जा रहा है अब पहले एक फर्स्ट फॉल आया एक सौ इक्यासी से इसने अपनी रिकवरी की उसके बाद सेकंड फॉल आया फिर इसने 169 से रिकवरी की अब इसका थर्ड फॉल आया ये फॉल कहाँ तक जाएगा ये लगभग जाएगा 120, 125 तक ऐसा लग रहा है तो आपका जो टारगेट रहेगा 144, 139 और 122 तक के आपको मिल सकते हैं स्टॉप लॉस आपने 149 का रखना है क्योंकि 150 इसके जो पहले का जो यहाँ से उछाल आया था वो 150 से आया था वन 152 से तो ये ध्यान रहे यहीं से आया था इसीलिए 150, 149 आपको पहले एक सौ उनचास पॉइंट पचहत्तर वन पैसे का आपको वो स्टॉप लॉस दिया है ताकि आप कहीं क्योंकि 150 के ऊपर जैसे ही आएगा इसमें तेज रिकवरी भी आ सकती है इसीलिए मैंने कहा है कि आपने 150 के आसपास का ही स्टॉप लॉस रखना है तीसरा जो स्टॉक है वो वेदांता ये आपने सेल नहीं करना है ये आपने बाय करना है क्योंकि स्टील सेक्टर में आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला और स्टील सेक्टर में काफ़ी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है जब से बजट आया है क्योंकि इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई गई है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया है तो इससे स्टील को काफ़ी प्रॉफिट होगा क्योंकि स्टील सेक्टर का हमारा जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है तो चाइना के मुकाबले में हम काफ़ी ज़्यादा खड़े हो सकते हैं इस बजट से तो आज टाटा स्टील वेदांता ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया तो वेदांता को आपको फिर से बाय करना है थ्री सिक्सटी टू तक कोई भी डिपाए बाय कीजिए थ्री फिफ्टी नाइन का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट थ्री सेवेंटी एट तक के आपको मिल सकते हैं अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर अब देखिए बैंक निफ्टी अब जिस एरिए में पहुँच चुकी है ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग एरिया है क्यों क्योंकि इसका जो हंड्रेड एम है वो है सैंतीस सात सौ तो जब तक ये सैंतीस सात सौ नहीं टूटता तब तक, तक आप इसे सेल नहीं कर सकते बैंक निफ्टी को क्योंकि सैंतीस सात सौ सैंतीस सात सौ पचास से इसमें रिकवरी भी आएगी आप ये जो शेडो देख रहे हैं ये यह यही कारण है कि इसके आगे सैंतीस सात सौ था तो सैंतीस सात सौ का टाइमिंग तीन तीन पंद्रह हो रहे थे तो यही कारण है कि यहाँ से पहले ही बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर हो गई क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है जैसे पहले ट्वेंटी डैमा था अब इसका हंड्रेड डैम इसकी स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेगा अब सवाल ये उठता है कि अब हमने करना क्या है मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना अगर मान लीजिए अठतीस दो सौ दस के ऊपर चले जाए बैंक निफ्टी तब आप एक रिस्क लीजिए सैंतीस नौ सौ की कॉल बाय कीजिए और सैंतीस आठ सौ का स्टॉप लॉस रखिए और आपको जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 38600 छः सौ छः सौ बीस और जैसे ही ये अठत्तीस छः सौ आ जाए तब आपने पुट ले लेनी है अठतीस छः सौ की स्टॉप लॉस अठतीस सात सौ का सिर्फ सौ पॉइंट का और नीचे आपको टारगेट मिलेगा फिर वापस अठत्तीस दो सौ थ्री सेवन नाइन डबल फोर थ्री सेवन एट वन एट और फिर आपको मिलेगा थ्री डबल सेवन वन सिक्स ये जो तो था अगर फ्लैट खुले अठत्तीस दो सौ दस क्रॉस आए हो जाए या गैप ऑफ ओपनिंग मान लो कल हो जाए अठतीस दो सौ दस के ऊपर तो आप एक बार कॉल को बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस सैंतीस आठ सौ का रखना है और जैसे ही ये अठत्तीस छः सौ अठत्तीस छः सौ के आसपास आए छः सौ बीस के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए और साथ के साथ आपने पुट लेनी है अठत्तीस छः सौ की स्टॉप लॉस अठत्तीस सात सौ का रखना है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोल्टे वॉल्टेज रहेगी तो ऊपर नीचे जाएगी तो आपने कॉल बाय करनी ऊपर जाएगी तो पुट बाय करनी ऐसी रहेगी मार्केट और उसके बाद जैसे ही सैंतीस सात सौ टूटेगा तब आपने दोबारा से पुट ले सकते हैं पर ये यहाँ पे रिस्की ट्रेड होगी क्योंकि यहाँ से फिर से ये शेडो बना सकती है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि फिर यहाँ पे पुट भी ना ले कुछ ना ले अगर नीचे जाती है तो जाने दे मार्केट जैसे ये सैंतीस पाँच सौ सैंतीस छः सौ के आसपास आएगी तब आप इसकी कॉल बाय कीजिए सैंतीस पाँच की और स्टॉप लॉस सैंतीस चार सौ का रखिए और ऊपर टारगेट आपको फिर से वापस जो मिलेगा वो सैंतीस सात सौ मिलेगा मतलब सौ दो सौ पॉइंट आपको यहाँ से फिर से मिल सकते हैं मतलब कि मार्केट काफ़ी वोल्टेज रहेगी जो चार्ट दिखा रहा है मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहेगी बड़ा संभल के आपने ट्रेड करना है स्टॉप लॉस बड़े पास पास रखने हैं जब यहाँ पर आप सैंतीस चार सौ या सैंतीस पाँच सौ की कोल बाई करें तो सैंतीस चार सौ का स्टॉप लॉस रखिए बड़ा नज़दीक का और ऊपर सैंतीस सात सौ मिलेगा तो ये था पूरा बैंक निफ्टी का ब्यौरा अगर आपको एक बार में समझ नहीं आई तो दूसरी तीसरी बार वीडियो को चला कर देखें तो आपको फिर जरूर समझ आ जाएगी अगर कुछ फिर भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन में पूछ पूछ सकते हैं मुझसे तो अब हम आगे बढ़ते हैं निफ्टी की ओर तो मैंने दिखाई दिया पहले भी इंडिया विक्स बेयर्स के फेवर में और यूएस डॉलर बेयर्स के फेवर में और बॉन्ड जेल बेयर्स के फेवर में और उसके बाद अगर हमारे ब्रेंड क्रूड ये भी बेयर्स के फेवर में ऑप्शन चेन पे आते हैं तो ये भी बेयर्स के फेवर में ऑप्शन चेन भी क्या कह रही है कि सत्रह हज़ार तक तो गिरावट दिख रही है क्लियर ही कि मार्केट सत्रह हज़ार तक जाएगी अभी सत्रह दो सौ पे है तो दो सौ पॉइंट की और गिरावट नज़र आ रही है ऑप्शन चेन में क्लियर कट क्यों क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सत्रह हज़ार पर सिर्फ राइटर और कहीं पुट राइटर है ही नहीं उसके बाद अगर कॉल राइटर भी है तो वो सबसे ज़्यादा आ चुका है वो है सत्रह पाँच सौ पर मतलब सत्रह पाँच सौ एक बड़ा रेजिस्टेंस सत्रह हज़ार एक स्पॉट और उसके बीच में हाई वोलाटेल मार्केट पाँच सौ पॉइंट का जंप कि द, किसी भी तरफ लग सकता है तो ये एक ऐसी वॉल्टलिटी है जिसको प्ले करने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट हैंड चाहिए तभी आप इसको प्ले कर सकते हैं ये ध्यान रखना क्योंकि आप देख सकते हैं कि सत्रह तीन सौ सत्रह दो सौ पर कोई खास कॉल राइटिंग भी नहीं हुई और यहाँ पर कोई खास पुट राइटिंग भी नहीं हुई मतलब कॉल राइटर भी डरा हुआ है पुट राइटर भी डरा हुआ है वॉल्टलिटी काफ़ी हाई रहेगी तो सत्रह हज़ार ये क्लियर सपोर्ट नज़र आ रही है नीचे की ओर ऑप्शन चेन को मार्केट को और नीचे ऊपर की ओर सत्रह चार सौ सत्रह पाँच सौ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस वैसे सत्रह पाँच सौ ही एक असली रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है सत्रह चार सौ पर भी कॉन्फिडेंस कॉल राइटर को नहीं है मतलब वॉलिटी काफ़ी हाई है मार्केट ये सोच के चल रही है किसी भी तरह घूम सकती है मार्केट क्योंकि रीज़न वॉर है वॉर किसी भी टाइम लग सकती है वॉर ना भी लगे अगर मान लीजिए सोलूशन हो गया तो मार्केट भागेगी बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए कल सुबह तक कोई ख़बर आ जाती है कि फ्रांस ने फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस मामले को सुलझा दिया तो ये देख लीजिए कि मार्केट सीधी सत्रह आठ सौ अट्ठारह हज़ार क्रॉस कर जाएगी देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कब अट्ठारह दो सौ भी क्रॉस कर गई तो अगर उसने सॉल्व नहीं किया तो ऐसे ही रहा तो ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी अगर वॉर छिड़ गई तो ये भी आपको पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी वो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है वो तो टू हंड्रेड एम ऑ टू हंड्रेड एम आ सोलह सात सौ तीस तक मतलब मार्केट अगर गिरेगी सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा सोलह सात सौ तीस तक गिरेगी मार्केट अगर कुछ आ, 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 ऐसा हुआ जो हम नहीं चाहते तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने करना क्या है देखिए इस टाइम मार्केट बीच में है सेंटर में कहीं कुछ नहीं क्लेरिटी नहीं है तो इसमें आपने क्या करना है अगर कल सत्रह एक सौ टूटे तो आपने सत्रह दो सौ की कॉल बाय करनी है सत्रह दो सौ के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट वन सेवन जीरो थ्री जीरो वन सिक्स नाइन एट जीरो और वन सिक्स नाइन थ्री जीरो तक के मिल सकते हैं क्योंकि सत्रह हज़ार में पुट रेटर ज्यादा है जैसे ही सत्रह हज़ार आया अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वहाँ पर आप अगर चाहें तो सोलह नौ सौ सो की कॉल बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा सोलह आठ सौ सो पचास का जी हाँ ढाई सौ पॉइंट का डेढ़ सौ पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको क्योंकि वॉल्टलिटी काफ़ी ज़्यादा है फिर आपको वापस सत्रह जीरो तीस सत्रह एक सौ तीस और सत्रह दो सौ फिर से रिवर्स आपको मिल सकता है मतलब कि ऊपर नीचे ऐसे मार्केट होती रहेगी अगर मान लीजिए कोई गैप अप ओपनिंग हो तो यहाँ पर आपने कुछ बाई नहीं करना आपने सिर्फ देखना है जैसे ही सत्रह तीन सौ आए तो आपने सत्रह तीन सौ की पुट बाई करनी है सत्रह तीन सौ तीस के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट फिर नीचे वन सेवन वन सेवन फाइव सत्रह दो सौ सत्रह एक सौ पचहत्तर सत्रह एक सौ तीस तक के आपको फिर से रिवर्स में मिल सकते हैं अब सवाल उठता है कि ज़्यादा गैप अप हो जाए तब जैसे फिफ्टी डेमा हो जाए सत्रह चार सौ पैंतालीस आए तब भी आपने सत्रह पाँच सौ की पुट बाय करनी है 17,550 के स्टॉप लॉस के साथ और नीचे टारगेट फिर से वहीं सत्रह तीन सौ सत्रह और फिर 17,000 तक के आपको मिल सकते हैं उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा गैप गैप ऑफ ओपनिंग हो जाए जो तो कोई चांस भी नहीं है फिर भी मुझे बताना मेरा फर्ज बनता है सत्रह पाँच सौ पचास के ऊपर ही बैंक अगर निफ्टी निकल जाए तो फिर सत्रह पाँच सौ की कोल बाई करनी है स्टॉप लॉस सत्रह चार सौ चालीस का रहेगा वहीं फिफ्टी डेमा और फिर आपको टारगेट मिलेगा सत्रह छः सौ पचास सत्रह सात सौ सत्रह 818000 हज़ार और 18450 तक के आपको टारगेट अगर मिल जाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी तो इसलिए आपने बड़े संभल के ट्रेड करनी है अपना वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए एक या दो लोट में काम कीजिए कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि किसी गाइडर की गाइडेंस में ही ट्रेड कीजिए क्योंकि इस टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज है और इसको प्रेडिक्ट और इसको कैल चलती मार्केट में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मुश्किल लगे तो साथ में हमारी वीडियो चलाया कीजिए और हम और वहाँ पे सुना कीजिए कि मैंने क्या कहा था इस टाइम अगर आप साथ के साथ उस टाइम सुनेंगे तब आपको याद भी रहेगा और फिर आप उसी तरह से ट्रेड भी कर सकोगे तो इससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप उसी टाइम यूट्यूब वीडियो चलाकर हमारी साथ में मार्केट के साथ चलाकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी और आपको ये सारा कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी एक बार अब देखिए एक बार कल देखिए दो तीन बार अगर देखेंगे तब समझ आएगी कि हमने करना क्या है तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके थैंक यू धन्यवाद